अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल सल्फ़ी। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को, ऑडियो फाइल्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि यही काम आप अपने मोबाइल से कैसे करेंगे। अपने अगर आप वीडियो फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है वीडियो कन्वर्टर। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपने इसे ओपन करना है, इस सॉफ्टवेयर को। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके बात करते हैं पहले इसके इंटरफेस की। इंटरफेस में सबसे ऊपर जो ये रेड कलर में बटन बना हुआ है वीडियो कन्वर्टर के नाम से, इस ऑप्शन में जाने के बाद ये ऑप्शन यूज़ करेंगे आप वीडियो फाइल को कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो आउटपुट वाला ऑप्शन है, इसमें आपके जो भी आप फाइल कन्वर्ट करेंगे आउटपुट वाला डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें जो ये म्यूज़िक का साइन बना हुआ है ऑरेंज कलर में, ये है ऑडियो कन्वर्टर। उसके साथ है ऑडियो कटर। अगर आपको किसी ऑडियो फाइल से कोई छोटा क्लिप अलग करना है, जैसे कुछ लोग ऑडियो फाइल से रिंगटोन को सेपरेट करते हैं, तो इस ऑप्शन से वो बनाई जा सकती है। इसके साथ वाला जो ऑप्शन है डीनाइज ऑडियो, ये एक्चुअली इसके साथ एड्स वगैरह भी चलेंगी, ये शायद पेड इसका ऑप्शन है, तो इसको यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो है ऑडियो मर्जर वाला। इसका मकसद ये है कि आप दो ऑडियो फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि इनको इकट्ठा भी उनको कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो है वीडियो कटर वाला। अगर आपको वीडियो किसी बड़ी वीडियो में से छोटा क्लिप निकालना है, जैसे डिफरेंट लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या किसी फेसबुक स्टोरी के लिए छोटा क्लिप निकालते हैं वीडियो का, तो यहाँ से वो क्लिप जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। इसी तरह से जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है वीडियो टू ऑडियो। इसका मकसद ये है कि आप किसी भी वीडियो फाइल से ऑडियो फाइल को अलग कर सकते हैं, कि अगर आपके पास कोई वीडियो कोई सॉन्ग है या कोई भी आपके पास कोई नात है या जो भी है, आप उसको ऑडियो फाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका देखते हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जाना है उस ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल, मैं अगर करना चाहता हूँ कोई वीडियो की फाइल को कन्वर्ट, तो वीडियो वाले ऑप्शन में जाऊँगा। तो इसमें आपको आपके सारी वीडियोस जो हैं वो मोबाइल की सारी इसके अंदर शो हो जाएंगी। आपने अपनी वीडियो फाइल को करना है सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको डन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर डन करेंगे तो आपको डिफरेंट सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे जो ऊपर है वो है फॉर्मेट, कि आपको किस फाइल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे ऊपर जो फॉर्मेट है वो MP4 इसका ओरिजिनल है। इसके बाद 3GB MOV वेब फाइल भी, इसमें डिफरेंट जो है वो वीडियो की ऑप्शंस हैं जो आप सिलेक्ट करके उनको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन है कि आप उसका रेजोल्यूशन साइज़ कितना रखना चाहते हैं वीडियो का। तो उस पर क्वालिटी के हिसाब से जितना आप उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 720। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो प्रो ऑप्शन है, जो कि पेड वर्जन में है, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारे ऑप्शन लेने के बाद आपको करना है इसको कन्वर्ट। कन्वर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले इससे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कंप्रेस का। कंप्रेस का ऑप्शन ये करता है कि आपकी वीडियो फाइल का एक तो साइज़ छोटा कर सकता है, क्वालिटी थोड़ी सी उसके लो करके आपको वीडियो का साइज़ जो है वो छोटा मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन लेने के बाद आपने इसको कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का नाम आपने जो भी टाइप करके, तो इसको कर देना है स्टार्ट नाउ। जैसे ही आप स्टार्ट करने के, कन्वर्जन आपके स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर कुछ ऐड चल रहे होंगे, इसको आप देखना चाहते हैं तो देखें, इसको इग्नोर कर दें। जी, तो कन्वर्जन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम चेक करते हैं अब हमारे आउटपुट फोल्डर में जाके, जो स्टार्ट पे हमारे पास ऑप्शन था आउटपुट वाला, तो यहाँ पे वो जो है वो फाइल कन्वर्ट हुई हुई आपको शो हो जाएगी। इसी तरह से बाकी जो इसके ऑप्शन हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं, वो भी इसी तरह से फाइल सेलेक्ट करनी है और उसको अपने वहाँ से कन्वर्ट कर लेना है। अब इसमें जो समझने वाले ऑप्शन है, तो ये है कि ऑडियो मर्जर। ऑडियो मर्जर का काम ये है कि कोई भी आप दो ऑडियो फाइल यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई सिलेक्ट करते हैं, तो उनको जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो दोनों फाइल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो उन दोनों इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी अपने ऑडियो फाइल के पीछे कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक, या दो ऑडियो फाइल को इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि आप उसके कोई म्यूज़िक अगर सेट करना चाह रहे हैं, तो उनको करके सिलेक्ट, तो यहाँ से आप उसकी फाइल के टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस फॉर्मेट इसको सेव करना चाहते हैं। MP3 अगर करते हैं तो इसको मर्ज करते ही तो दोनों फाइल जो हैं वो इसी तरह से मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह से जो और इसके अंदर इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो है वीडियो कटर वाला, जो आपको काम आएगा कोई भी स्टेटस क्रिएट करने के लिए किसी व्हाट्सएप के लिए। तो आपने कोई भी अपनी वीडियो फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ से उसको सिलेक्शन करनी है कि मुझे वो वीडियो का क्लिप कितना चाहिए। तो यहाँ से आपको
टाइमर भी मिल जाएगा इसके साथ कि कितने टाइम का आपको इस क्लिप यहाँ से कट करना है। तो अपना क्लिप सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन जैसे ही आपकी होगी, इसको आपने कर देना है कट वीडियो, और इसको जैसे ही ओके करेंगे तो वो वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। ये तो हमारा क्लिप जो है वो सेव हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह बैक पे जाके हम अपने आउटपुट वाले फोल्डर में जाएंगे, तो आउटपुट वाले फोल्डर में जो वीडियो कटर वाला ऑप्शन है, आपको ये 36 सेकंड का एक यहाँ पे क्लिप मिल जाएगा वीडियो का। तो इस तरह से आप स्टेटस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए। बाकी इसके अंदर वीडियो टू ऑडियो वाला ऑप्शन है कि किसी वीडियो का जब आपने ऑडियो निकालना है तो इसी तरह से वीडियो फाइल आपने सेलेक्ट करनी है और उसको सेलेक्ट कर लेना है उसकी फाइल टाइप को। फॉर एग्जांपल MP3 मैंने सेलेक्ट की और इसको कर दूंगा मैं कन्वर्ट, तो ये भी इसी तरह से फाइल आसानी से कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा तरीका है इसके अंदर। और इसके अंदर और एक बात मैं आपको बताता चलूँगा, आप एक ही टाइम के अंदर अगर आप कोई फाइल कन्वर्ट करते हैं वीडियो कन्वर्ट में, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, तो एक टाइम के अंदर आप मैक्सिमम जो है वो कर सकते हैं दो फाइल्स सिलेक्ट, एक ही टाइम के अंदर आप दो फाइल सिलेक्ट करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था वो सिंपल सा सॉफ्टवेयर, आई होप आपको बिल्कुल पसंद आएगी ऐप, इसको यूज़ कीजिए, आपके बहुत काम आएगी, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप करिए कोई स्टेटस वगैरह बनाना चाहते हैं कोई छोटे क्लिप्स निकाल के, इसी तरह उन लोगों के लिए जो वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है बिलाल सेल्फी। अल्लाह हाफिज़।